الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. سبحان الله. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما شاء الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. سبحان الله. وماذا عليهم لو وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله.
Tarjuma Surah Al-Nisa, Ayat 36-39. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm karne wala hai. Aur tum Allah Taala ki ibadat ikhtiyar karo. Aur uske saath kisi cheez ko shareek mat karo. Aur waldain ke saath acha mamla karo. Ahle qarabat ke saath bhi aur yateemon ke saath bhi. और गरीब गुरबा के साथ भी और पास वाले पड़ोसी के साथ भी और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी और हम मजलिस के साथ भी और राहगीर के साथ भी और उनके साथ भी जो तुम्हारे मालकाना कब्जे में हैं. बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं रखते जो अपने को बड़ा समझते हों, शेखी की बातें करते हों, जो कि बुखल करते हों और दूसरों को भी बुखल की तालीम करते हों, और वो उस चीज़ को पोशीदा रखते हों जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फ़ज़ल से दी है. और हमने ऐसे नासपासों के लिए अहानत अमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है. अल्लाह. और जो लोग दुनिया के अपने मालों को लोगों के दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर एतकाद नहीं रखते, और शैतान जिसका मसाहिब हो उसका बुरा मसाहिब है, और उन पर क्या मुसीबत नाजिल हो जाएगी अगर वो लोग अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर ईमान ले आए और अल्लाह ने जो उनको दिया है उसमें से कुछ खर्च करते रहा करें. और अल्लाह ताला उनको खूब जानते हैं. सदाकल्लाहु अज़ीम. बेशक बेशक बेशक. अस्सुबहु बदा मिन ताला दीही वल्लै का जिक्र करें कि हमारे दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है. बुलंद आवाज से कहिए अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह बदल
सुभान अल्लाह रेहान भाई, जज़ाक अल्लाह खैर। आज आपका साथ थोड़ा कम निभाया मैंने, थोड़ा सा कम करना बहुत सवाल था। आज आपका साथ जरा कम रहा, कल जरा बुखार था मुझे, लेकिन वो लुत्फ माशाल्लाह क्या आया सुनने में, जज़ाक अल्लाह खैर। ये हुक्म हुआ था तो इसलिए इस कलाम की नहीं, माशाल्लाह मुझे याद है ये नाच वे जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं किसी नातिया मुकाबले में स्कूल में थी, मैं फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड में थी, तो उस वक्त मैंने ये नात पढ़ी थी और उस वक्त से मैंने नात खानी शुरू की थी पढ़ना। और उस वक्त मुझे याद है बीच में मैं अटक गई थी क्योंकि मुझे आंसू आ गए थे पढ़ते हुए, और उसकी वजह से मेरे नंबर थोड़े से माइनस हुए। आपसे उस दिन भी याद किया था कि जो आप चश्मे नम के साथ जो नात पढ़ती हैं, मैं खुद ऑन एयर दोबारा ये कह रहा हूँ कि मैं आपका जज़ाकअल्लाह भैया। आमीन। खवातीन हज़रात, देखने वालों को, सुनने वालों को, ए प्लस ए टी वी की स्क्रीन्स के साथ हमारी मोहब्बत जो आप लोगों ने बनाई रखी यहाँ पे शुरुका को, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, माया खान की और माया खान की छोटे 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 बच्चों की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। 1 जुलाई आज 2016, 25 रमज़ान, 1437 हिजरी, एक और ताक रात गुजरी, क्या इबादत रही, चलें ये तो आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। जुमे का दिन है, जुमतुल विदा आ गया, अलविदा रमजान, अल्लाहु अकबर। कैसे आया ये मेहमान, कैसे चला जाता है ये मेहमान है रेहान भाई। बच्चे हम लोग ऐसे, हमारा साथ शुरू हुआ और आज मंथ खत्म होने वाला है। बाजी मैं ये कह रहा हूँ कि रमजान तो जा ही रहा है, लेकिन जो अमजद भाई को हमसे जुदा हो गया ना, वो मामला जो है, वो तो जिंदगी, वो ऐसा है कि
हर वक्त याद आएगा, रमजान की तरह हर वक्त याद आएंगे। ऐसे ही बच्चे, आपका पूरा महीना आपका साथ रहा, उसके लिए जज़ाकअल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह तिलावत, क्या खूबसूरत अंदाज, क्या माशाल्लाह रब ने आपको जो है नवाजा है रूहानियत से। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर हम फिर अगले रमजान साथ होंगे। जुमतुल विदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान उस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगे अल्लाह पाक उसे अता फरमाएंगे, और वो घड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। अगर हम उस घड़ी का पता चल जाए तो हम किसी और वक्त में इबादत नहीं करेंगे और सिर्फ उसी लम्हे करेंगे। आइए मिलकर परवरदिगार की हुजूर दुआ मांगे कि ए अल्लाह हम सब के रोज़े और इबादत कबूल फरमा। मालिक हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, कभी रोज़े की या ना रोज़े की हालत में कोई गुनाह सरजद हो गया हो तो मालिक हमें माफ़ फरमा। आमीन। या परवरदिगार, हमने बहुत नेक नियति के साथ इस ट्रांसमिशन को करने की कोशिश की तो हमारी कोशिशों को कबूल फरमा। हम सब के घरों में कहीं ना कहीं, और हम सब के घरों में सबसे बड़ी जो फौदगी हुई वो शहीद अमजद साबरी की हर घर में हुई। परवरदिगार उनकी दर्जात बुलंद फरमा। हम सब के घरों में कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई छोटा है, कोई ना कोई किसी का इंतकाल हुआ है, मालिक उन सबको सब्र अता फरमा और हिम्मत अता फरमा। कहते हैं दुआ के तीन पहलू होते हैं, या तो वो कबूल हो जाती है, या आखिरत के लिए जखीरा कर ले जाती है, या फिर मुसीबत को टाल देती है। तो बस यही है कि दुआ कीजिए, दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करें, बल्कि अपने ही आपको अच्छा अगर बना लें या थोड़ा सा अपने आप को ही सिखा लें तो कैसे बन जाएंगे हम इंसान। एक पाप परवरदिगार हम तेरे गुनाहगार खताकार बंदे हैं, आज जुमतुल विदा है, रमज़ान हमसे विदा हो रहा है, या रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिक हमें हलाल रोटी रिस्क की जो है अता कर दे, मालिक फरावानी कर दे कि हम लोग ऐसी मेहनत के साथ काम करते रहें, हमारे रिस्क में हमारी यूँ ही बरकत रहे। और आप सब लोगों के दिलों की जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमाएं, और जहाँ जहाँ जो अपनों से दूर हैं मालिक अपनों से उनकी मुलाकात करवाए खैर वाफियत के साथ या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, जज़ाकअल्लाह खैर। फातिमा हज़रात कुछ दिन पहले शहज़ादी यहाँ पर आई थी, जिनकी शादी के वक्त उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। उनको ये भी याद नहीं, उनकी शादी को 7 साल गुजर गए। जब उनके शौहर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा हमारी शादी को 7 साल गुजर गए, जबकि शहजादी कह रही थी कि 3 साल गुजर गए। उसकी दिमागी कैफियत सोचिए, उस बच्ची की उस वक्त क्या हालत होगी 7 साल पहले, जब वो 3 साल समझ रही है उस वक्त को, उस हालत में उसकी शादी हुई, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। लेकिन एक नेक शख्स ने उसका हाथ थामा और उसको नॉर्मल लोगों की तरह लेकर आया इस शो में। अब 7 साल से शहजादी तरस रही कि अपने वालिद साहब से मिल रहे। उसकी क्या उस दिन की क्लिप्स थी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। और आज रब के हुक्म से उसने अपने हबीब के सदके ये मौका हमें फराहम किया कि हम आज बाप बेटी को मिलवाएंगे आप लोगों के सामने लाइव इंशाल्लाह अज़ीज। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, हम वापस आते हैं। हज़रात आप लाइव हमारे साथ मौजूद, रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में ए प्लस और ए टीवी पर। ये एक हमारे भाई हैं जिनसे मेरी कोई, मुझे तो याद नहीं, इनको याद होगा, कुछ सालों पहले हुई थी, कितने साल पहले हुई थी मुझे याद नहीं, लेकिन हमारे इन भाई का नाम मिसबा है। और मिसबा भाई के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन इन्होंने सड़क पर भीख मांगना मुनासिब नहीं समझा। ये अपने पैरों से स्त्रियां रिपेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। बड़ा टाइम हो गया आपसे मुलाकात हुई। जी जी जी। कितने अरसा हो गया मिले? वो 10 जुलाई 2010 में हुआ था। आपको डेट भी याद है? जी। दस जुलाई 2010 जब मैं ये जो गुलाबी शर्ट में खड़े हैं इनके पीछे तार पकड़ती थी, ये जो आपके कैमरे पे खड़े ना काशिफ, इनका तार मैं पकड़ती थी ना, असिस्टेंट का काम भी करती थी साथ साथ एंकरिंग भी करती थी। सही है। वैसे भाई आपको डेट कैसे याद? आज कितने साल हो गए? 6 साल 10 दिन कम? 9 दिन कम। 9 दिन कम? अल्लाह भाई पूरे हिसाब के पक्के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको इतने सालों में याद नहीं आई बहन की, मिलने का दिल नहीं था आपका? मैंने बहुत कोशिश की, रापता ही नहीं हुआ फिर दोबारा आपसे। क्यों, किससे का रापता करने के लिए? किससे का कोशिश की? हाँ नहीं हुआ। पहले भी ये इमरान सोनू था ना, हाँ। तो इन्होंने आप अभी भी इमरान सोनू ने कोशिश करके आप इस प्रोग्राम में। अल्लाह सोनू ने? हाँ ठीक है, खैरियत से? हाँ ठीक है, मेरे मोहल्ले में ही रहते है ना। अच्छा मोहल्ले में ही रहता है? जी जी। तो भाई काम कैसा चल रहा है? बस सही है अल्लाह का शुक्र है, चल है। इससे वगैरह आ रही है? हाँ ये भी आ रही है जी। अभी क्या बनने का क्या होता है, क्या लेते हैं क्या? ये एक स्त्री का मैं 100 रुपए लेता हूँ। एक स्त्री का 100 रुपए? बस 100 रुपए? हाँ इतने ही आते हैं। कितनी देर में स्त्री ठीक हो जाती है, कोई अगर नॉर्मल मसले हो ज्यादा? पहले घंटे आधे घंटे में सही हो जाती है, इतना मसला नहीं है। घंटे आधे घंटे में ठीक? इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, इसमें क्या मसला है? ये ऑन नहीं है ना, इसको ऑन करना है। ऑन नहीं हो रही है? हाँ। अच्छा किसी घर में स्त्रियाँ खराब हैं? भाई मेरी तो एक है खराब, ईमानदारी की बात है, दूसरी निकालनी पड़ेगी। आपकी भी खराब है ना, लेकर क्यों नहीं आई? हयात बन जाती 100 रुपए में। हमारे मिसबा भाई को देखो, अगर कोई आ रहा है ना घर से उनको बुला लो, बोलो स्त्री ले आए, जो जिसकी जिसके घर में खराब है ना यहीं पे भाई को मजदूरी दे, कहीं और जाएगा बेहतर है, मिसबा भाई के पास जाए, सवाब आप लोगों को अलग मिलेगा, स्त्री अलग ठीक हो जाएगी। अभी अजान मगरिब तक खत्म होगी ना ट्रांसमिशन, चलो मैं देखती हूँ मिसबा भाई से कौन वाकई में हमदर्दी रखता है उनके इन आप सब लोगों के घरों में जो जो देख रहा है। और अगर पॉसिबल है माइक बेटा रखो करीब, क्या करना है ऑन करना है, और अगर पॉसिबल है तो जिन जिनके घरों में स्त्रियां खराब हैं वो अपने घरों में फोन करें। वो तो आप भैया अपने हाँ से, आप मर्जी से दे सकते हो, अपनी मोहब्बत से अगर आप कुछ देना चाहो आप आ जाओ दे दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन खुददार आदमी है, मेहनत की कमाते हैं, अपने घरों में कॉल करें, मैसेजेस करें किसी को और बोलें जो खराब स्त्री उठा के ले आओ, ठीक है? और देखती हूँ मैं कि आज अजान तक किस किस में ये जज्बा पैदा होता है कि कहीं और जाए, इससे बेहतर है मिसबा भाई यहाँ से कमा के जाए। देखें चली चालू हो गई? नहीं हुई, हुई नहीं हुई, हटाओ हिलाओ उसको, नहीं अभी इसको वो करूंगा ना मैं फिर ठीक हो जाएगा। सही है मिसबा भाई, जेब में रखिएगा, हाथ नहीं है, बहुत हाथ नहीं है, जेब में रखिए, जेब में। शुक्रिया। तो क्या कहते हैं स्त्रियां लाओ भाई जल्दी जल्दी, आज मिसबा भाई को ठीक ठाक कमा के जाना चाहिए, क्योंकि मैं मदद तो हम कर सकते हैं लेकिन काम करते हैं ये, मेहनत करते हैं। और मिसबा भाई कितने अर्से से एसी का कर रहे हैं काम? ये मैं तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी, यानी कि जब हम आखिरी दफा मिले थे तो आपको 3 साल हुए थे शुरू किए हुए जी। 6 साल गुजर गए, 6 साल में आप उतने ही जवान दिख रहे हैं मुझे हैं? स्त्रियां बना बना के कहीं आपको रास तो नहीं मिल गया जवान रहने का? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई जिंदगी को कैसे देखते हैं? मैं जिंदगी को अच्छी तरीके से देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाथों के साथ क्या हुआ आपके? ये पैदाइशी है। पैदाइशी है? पैदाइशी है जी। ठीक है ये मैं बताने गई ताकि सब लोग सुन लें। अब आपने गुड़िया अंकल की पॉकेट में डाल दीजिए मेरी जान, आपने ये नहीं सोचा कि सड़क पे बैठ सकता हूँ मिल जाएंगे पैसे, क्यों नहीं सोचा? नहीं ये तो फिर वो जाती ना इंसान हिम्मत तोड़ देता अपनी, जब मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ सोचता हूँ कि मेरा अल्लाह है, तो अल्लाह से दिल लगा लो और अल्लाह से बातें करो ना तो अल्लाह रास्ता खुद बनाता है, अल्लाह रास्ता खुद बनाता है। मेरी बच्ची
बच्ची है माशाल्लाह। बेटा माइक सामने रखते हैं इस तरह ना, ऐसे रखते हैं। बच्ची है मेरी एक, एक बच्ची है, आई हुई है, मेरी वाइफ भी आई हुई है। कहाँ है, कहाँ है, किधर है? बुलाएं बुलाएं बुलाएं, किधर है बेगम और बच्चे, किधर है इनके? आ जाओ भाई, ले आओ। अरे वाह वाह, अजीम आदमी की अजीम बेगम, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आइए आइए, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, इस तरफ बैठिए, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए बैठिए बैठिए, इस तरफ बैठिए। मेरे पॉकेट में रखिए अंकल के, पॉकेट में रखिए। आप जो गिफ्ट दे रहे हैं ना, ईद के गिफ्ट हैं ये सारे इनके लिए। इनकी आप इनकी वॉइस हैं। क्या नाम है आपका? नसरी। आपको कितना फख्र है अपने शौहर पे? बहुत सारा, बहुत फख्र है जी। अल्लाह का शुक्र, मेहनत, हलाल की रोजी खिलाते हैं जी। हाँ, हलाल की मेहनत है। चाहते तो भीख मांग के भी खिला सकते थे। नहीं, मेहनत से, शुरू से मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करोगे, हमारी लव मैरिज है। लव मैरिज जी, बताएं मुझे लव मैरिज कैसे हुई है? इस मैरिज के पीछे लव कैसे राज में आ जा रही है? क्या ख्याल है इधर? लव मैरिज चल रही ना रिश्मा भाई की, अभी राज राज ही चल रहा है। नहीं मैं, अच्छा ये तो बताने की क्या जरूरत थी, फिर जान के बहन को बताया भी, और खतरनाक बहन जो अंदर से सवाल निकाल ले। कहां मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई, कैसे आप मानी? आप ही घर वाले? मैं इसलिए पुफी मामू के। मैं मामू का लड़का हूँ, मेरी पुफी की लड़की है। आप कजन है आपस में? कजन है जी। तो घर वालों ने कहा नहीं कि ये कैसे रखेगा, कैसे ख्याल करेगा? बोला, एतराज बहुत एतराज था। बोलते ना सबके सबके लिए, कोई जीता किसी के लिए, जीने का मजा हो रही है। आए हाय 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 हाय, क्या बात है भाभी, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। आज के बाद जब यहाँ से जो भी निकलेगा ना, वो औरों के लिए जीना शुरू कर देगा। कहेगा मुझे औरों के लिए जीना, मुझे लव मैरिज करनी है। आप देखिएगा आज आपके आने की जो बरकत होगी ना, वो क्या होगी, अल्लाह बरकत दे। लेकिन भाभी आसान नहीं है, आसान नहीं होता। आपने जिस इंसान से मोहब्बत की, सोच से भी मोहब्बत होती है, एक इंसान के दिल से भी मोहब्बत होती है, एक इंसान की नीयत से मोहब्बत होती है। आपने मिसबा भाई की किस चीज से मोहब्बत की? बोलते हैं ना, सीरत पे जाए, सूरत पे नहीं जाए। सूरत भी अच्छी है हमारे तो मिसबा भाई की, लेकिन सीरत में आपको ऐसी क्या बात लगी जो सीरत में आपके दिल में घर कर गई? मिसबा भाई इंसान बोलते हैं ना, अच्छा ही इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे। हाथों से कर लो, बाद में कोई बीमारी लग जाती, हाथ सूख जाते, बाद में कोई बीमारी हो जाती। सुभान अल्लाह, निभाना तो है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी कहाँ है आपकी? ये आपकी बेटी है? अरे वाह वाह, बच्चे माशाल्लाह, ये तो लंबू निकल आई। भाई बच्चे से बात करेंगे, इसका वक्फे बाद खवातीनों आजाद हमारे साथ रहिएगा। रमजान इश्क की ट्रांसमिशन जारी, स्त्रियां भेजो जल्दी जल्दी घर से फटाफट।